हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने है बैंगन का पौधा। तो फ्रेंड्स, इस बैंगन के पौधे को हमने नर्सरी से लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना 5-5 रुपए में मिले हैं। तो लाए लगभग 15 दिन हो गए। मैं इसे छोटे छोटे पॉट में रखी थी, जिनकी वजह से इनकी जड़ गमले की मिट्टी से जुड़ गई थी। तो मैं इसे किसी तरह से निकाली, क्योंकि इन्हें लगाना है और बरसात अभी थमी है। तो मैंने कहा कि चलिए आज बैंगन का पौधा लगा देते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं। तो इसमें छोटा सा देखिए फूल निकल रहा है, तो कुछ दिन में इनमें बैंगन के फल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक गमले की मिट्टी है जिसमें मैं रखी थी इसे। तो फ्रेंड्स, गमले में बैंगन का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और ज़मीन में भी वैसे लग जाते हैं, लेकिन जब गमले में कंटेनर में लगाते हैं ना, तो इसका आनंद कुछ और ही होता है ना। तो फ्रेंड्स, मैं इसे जो है गमले में लगाऊंगी, वो भी 8 इंच के पॉट में। देखिए, तो इसमें जो है मिट्टी हमारी पहले से बनी हुई है। तो मिट्टी की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक हिस्सा जो है गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, और एक हिस्सा मिट्टी, और एक हिस्सा सैंड, और आपको बता दूँ थोड़ा सा जो है नीम खली। तो मिट्टी तो गीली हो गई बारिश की वजह से, और इस समय मिट्टी बनाना नामुमकिन है, क्योंकि खेत की मिट्टी पूरी गीली हो गई है। इसलिए जो भी गमले खाली हैं, तो मैं बैंगन का पौधा सभी खाली गमले में लगा देती हूँ। वैसे ज़्यादा बैंगन का पौधा नहीं है, केवल 4 पौधे हैं। तो दो दो करके मैं लगाऊंगी, ताकि जो है हमारे दो दो गमले एडजस्ट हो जाएं, और अलग अलग एक एक पीस लगाते हैं तो 2-4 गमले और लग जाएंगे। इसलिए मैं दो दो पौधे लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो किसी भी पुराने कंटेनर डिब्बे में लगा सकते हैं। ये देखिए, जो है मिट्टी को हल्का सा मैं इस तरह से खोद दे रही हूँ, तो छोटा सा गड्ढा बना दे रही हूँ। फिर उसके बाद बैंगन के पौधे को लगाएंगे। और भी मैं लगा रखी हूँ, वो आपसे बता दें कि हमेशा फल देते रहते हैं। 12-मासी प्लांट है, बराबर जो है उसमें फल आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंगन का पौधा जो है नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, या फिर इनकी सीडलिंग करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इनकी रूट्स जो है बाहर निकली हुई है। तो पोली बैग को बिल्कुल आराम से हम इस तरह से देखिए निकाल देंगे। देखिए, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर घर पे हम हरी साग सब्जी उगाते हैं ना, तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हम करते हैं अपने सभी फूलों वाले पौधों में। और ज़्यादा सब्जियां तो नहीं लगाए हैं, फिर भी जो है डॉक्टर साहब के कहने की वजह से मैंने देखिए बैंगन का पौधा नर्सरी से ले आई, तो इन्हीं हम लगा रहे हैं। और इनकी जो मिट्टी है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल बालू वाली है। मिट्टी को नहीं हटाएंगे, इस तरह से देखिए लगा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी मन करता है बैंगन का पौधा, टमाटर का पौधा, हरी मिर्च का पौधा, जो भी लगाने का हरी साग सब्जी मन करता है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप छोटे बड़े किसी भी पॉट में, जैसे ख़राब कंटेनर हो, टूटा फूटा, आप उसमें भी जो है हरी साग सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम इनको अच्छे तरह फाड़ के निकाल दें, ताकि इनकी रूट्स जो है ख़राब ना हो। इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी हटा देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर नर्सरी से मैं जैसे कोई पौधा लेकर आती हूँ ना, तो तत्काल नहीं लगाती हूँ, उन्हें 1 हफ्ते के लिए छोड़ देती हूँ। जो हमारे पौधे होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें जो है उनके नीचे रख देती हूँ, ताकि और भी पौधे से घुल मिल जाएँ, तब जाके इन्हें मैं लगाऊँ। तो 15 दिन लगभग हो गए, तो मैंने कहा कि चलिए आज बैंगन का पौधा ही लगा देते हैं, और आप लोगों से थोड़ी बातें भी हो जाएगी। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी मिट्टी है फ्रेंड्स। इस तरह से फटाफट इन्हें निकाल कर लगा देते हैं। देख कितनी ज़्यादा रूट्स बनी हुई है इसमें। वैसे लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस गमले में लगे थे ना, क्या नाम, उसमें दूसरा पौधा लगा हुआ है, तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो मैंने सोचा कि अब इन्हें लगा देना ही बेहतर है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अभी तो मिट्टी गीली है, लेकिन इन्हें समय समय से पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। और हर 15 या फिर महीने में जो है इन्हें ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि पत्तियों की खाद हुई जो हम घर पे बनाते हैं, और गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट, गमले के हिसाब से हम एक एक मुट्ठी में दे सकते हैं। और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो हम घर पर बनाते हैं, उनका उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और धूप दिखाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें धूप नहीं मिलेगी, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इनमें फल नहीं लगेंगे। इसलिए इन्हें धूप
रूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और देख रहे हैं ना, मेरी छत बिल्कुल गीली हो गई है क्योंकि बारिश हुई है, और अभी बारिश बंद हुई है तो मैंने कहा कि चलिए जो है बैंगन का पौधा लगा देते हैं। तो फ्रेंड चलिए और भी दिखाते हैं बैंगन के पौधे जिसे हमने गमले में लगाया है। ये देखिए आपके सामने है बैंगन का पौधा, इनमें फूल लगे हुए हैं। वैसे इनमें आपको बता दूं कि फल बराबर आते रहते हैं, लेकिन फलों को बंदर खा जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ना गमले में हरी साग सब्जी ग्रो करना। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, कमेंट करिएगा।